नई पीढ़ी को कैसे समझाया जाए कि मर्यादा में रहना बंधन या परतंत्रता नहीं है। भारत में जो नारी सशक्तिकरण का अर्थ समझा जाता है उस संदर्भ में, क्योंकि नारी ही समाज की और कुटुंब की धुरी है। ये सब समझाना जो होता है वो प्रेम से ही समझाना पड़ता है। बैठिए, धीरे धीरे समझाना पड़ता है। समझाने में मनमानी करने देना और मनमानी करने से रोकना, ये दोनों अलट पलट के करना पड़ता है। जैसे छोटे बच्चों को माताएं या उनके घर के लोग समझाते हैं, छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा जबरदस्ती नहीं कहते, कुछ मन की करने देते हैं, एक मर्यादा के बाद थोड़ा कभी हाथ पकड़ के कान पकड़ के भी रोकते हैं, कभी कभी बड़ी मधुर भाषा में समझाते हैं, वैसा ही करना। आज की पीढ़ी विशेषकर वो सुनती नहीं है। कुछ समय भी ऐसा बदला है, कुछ वातावरण का भी परिणाम है, मानती नहीं है। पहले तो बड़े लोगों ने कहा तो मानना, ये नई पीढ़ी के स्वभाव में था। हमारे बचपन में हम पूछते नहीं थे क्यों, इसलिए बड़े ने कहा है तो वो करना है। आज ऐसा नहीं, वो क्यों पूछते, और क्यों यानी उद्दंडता से ही पूछते, ऐसा नहीं, जिज्ञासा से भी पूछते, तो वो समझाना पड़ता है। तो हम जो समझाना चाहते हैं उसमें हमारी पारंगतता होनी चाहिए, एक, और जो समझाएंगे वो प्रेम से समझाना। नई पीढ़ी समझना तो चाहती है, लेकिन उनको समझाने का आज का तरीका अपना, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान देना, तर्क से समझाना, अनुभव से समझाना, करने देना। ठोकर लगेगी तो हमारे ही पास आएंगे, क्योंकि आधार तो हम ही है उनके अभी तक। तो जब ठोकर लगती है तब सहारा वो ढूंढते हैं, तो हमने उनको छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वो सुनने की मनस्थिति में आते, तो ऐसे समझाना। कई बार सिखाने के चक्कर में हम जबरदस्ती करते हैं तो सीखते नहीं है। एक ऐसी किस्सा सुना मैंने कि कुत्ते को टॉनिक कॉड लिवर ऑयल देने के लिए कहा डॉक्टर ने, कैसे करना उसने बताया कुत्ते के मालिक को कि उसको पकड़ना, दोनों घुटनों में दबाना ताकि वो छटपटाए नहीं, और उसके जबड़ों पर ऐसे दबाना तो मुंह खुलता है, फिर कॉड लिवर ऑयल एक चम्मच डाल देना और मुंह को बंद करके पकड़ कर तो वो उसको निगल लेगा, फिर छोड़ देना, ठीक है। दूसरे दिन उसने अपने कुत्ते को 8 बजे पकड़ा, तो सब किया, किया तीसरे दिन भी किया, चौथे दिन भी किया, तो कुत्ता समझ गया कि 8 बजे ये संकट आता है, तो 8 बजे वो दिखे ही नहीं, तो उसको ढूंढो, पकड़ो, पीछे दौड़ो। ऐसा सब होने लगा। 15 दिन के बाद एक बार ऐसा हो गया कि करते करते वो चम्मच जमीन पर गिर गया, वो दवाई गिर गई, तो उसने गुस्से से जा ऐसा कर छोड़ दिया कुत्ते को। छोड़ने के बाद उसने देखा है कुत्ता जमीन पर पड़ी दवाई चाट रहा है, यानी दवाई उसको पीना अच्छा लगता था, लेकिन ये जो सिखाने के चक्कर में जबरदस्ती हो रही थी उसका विरोध वो करता था। वो अपने घर में तो अपने परंपरा से हमारा व्यवहार परिवार का, कुटुंब का, आत्मीयता से ही चलता है, तो घर में तो ये संस्कार ऐसे ही हम दे सकते हैं। शिक्षा में भी शिक्षक ऐसे ही ये दे सकते हैं, आत्मीयता से सिखाकर छात्रों के स्तर तक उतर कर उनको अपने साथ ऊपर उठाना, ये शिक्षा की वास्तव पद्धति है, परंपरागत अपनी पद्धति है। समाज में भी लोग ये कर सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं उसका उदाहरण होना चाहिए, उससे उनको समझ में आता है और उनको लगता है कि हाँ भाई ऐसा ही बोल रहे हैं, ऐसा ही कर रहे हैं, इसे मुझे भी करना चाहिए, तो फिर सीखे। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।